लोकतंत्र के महापर्व में महिलाएं बढ़ चढ़ कर अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में 5 साल में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। वहीं प्रदेश की 3 ऐसी लोकसभा सीट है जहां महिला मतदाता की हार जीत तय करती है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 में अगर सबसे ज्यादा किसी की बात हो रही है तो वो है आधी आबादी यानी महिलाओं की। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि इस बार महिला वोटर की संख्या बढ़ी है और महिलाएं लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में यही महिला वोटर गेम चेंजर साबित हुई थी, तो लोकसभा चुनाव में पार्टियों का खास ध्यान महिला वोटर पर है। सभी राजनीतिक दल महिलाओं को साधने हर संभव कोशिश कर रहे हैं। साल 2019 में प्रदेश की किसी भी संसदीय क्षेत्र में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटरों की संख्या नहीं थी, लेकिन इन 5 सालों में महिला वोटरों की संख्या 3 सीटों रतलाम, बालाघाट और मंडला में पुरुषों से ज्यादा है। दरअसल इसकी वजह मध्य प्रदेश में 5 साल में मतदान लिंगानुपात में सुधार हुआ है। इन सीटों पर महिला वोटर ज्यादा, बालाघाट में 1000 पुरुष मतदाताओं पर 1014 महिला वोटर, रतलाम में 1000 पुरुष मतदाताओं पर 1013 महिला वोटर, मंडला में 1000 पुरुष मतदाताओं पर 1001 महिला वोटर। इन सीटों पर जहां महिला वोटर की संख्या बढ़ी है तो महिलाएं भी लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 19 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा है। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बालाघाट जिले में विधानसभा चुनाव में महिलाएं वोटिंग में पुरुषों से आगे रही और यहां पर बम्पर वोटिंग दर्ज की गई। इन सीटों पर बम्पर वोटिंग, बालाघाट की बेहर सीट में 84.81% वोटिंग हुई। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 85.73% रहा। पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 83.85% रहा। लाची सीट पर 84.50% वोटिंग हुई। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 85.82% रहा। परसवाड़ा में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 87% रहा। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना लेकर आए थे और महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था, तो कांग्रेस ने भी महिलाओं को गारंटी दी थी, लेकिन लाडली बहनों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। ऐसे में अब 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस की ओर से महिलाओं को न्याय गारंटी दी जा रही है और बीजेपी पुरानी योजनाओं के सहारे महिलाओं को साधने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो या राजनैतिक तौर पर हो। आज देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 11 केंद्र में महिला मंत्री हैं। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि विदेश मंत्रालय महिला ने चलाया, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय महिला द्वारा चलाया गया। और साथ ही साथ में चाहे स्व सहायता समूह से जोड़ना हो, चाहे लखपति दीदी बनाने की बात हो, चाहे ड्रोन दीदी की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, निरंतर अनेकों अनेक योजनाएं लाकर मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया था, उन्होंने कहा था कि 450 में गैस सिलेंडर महिलाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि लाडली बहना योजना में 3000 रुपये हर महिला को दिए जाएंगे, लेकिन दोनों ही बातें झूठ निकली और इसको अब महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हैं। और हमारा जो माननीय राहुल जी ने नारी न्याय की बात की है, जिसके तहत 1 लाख रुपए हर बहन को, गरीब बहन को 1 वर्ष में दिए जाएंगे, इसके साथ साथ जो आरक्षण है महिलाओं को नौकरी में वो दिया जाएगा, इसी तरह से अन्य जो समानता के अधिकार हैं वो नारी को देने की उन्होंने बात कही। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी रण में आधी आबादी कौन से दल के लिए भाग्य की चाबी बनती है। अनादि टीवी के लिए भोपाल से दुर्गेश कुलशन यादव की रिपोर्ट। लोकसभा